कल कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है जिसमें 30 प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा है। वहीं सीतापुर से मंत्री अमरजीत भगत को कांग्रेस ने पांचवी बार प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। आइए जानते हैं किस प्रकार से इनकी इस बार की चुनाव। सबको बहुत धन्यवाद, आभार। पार्टी पांचवी बार विश्वास किया है, पार्टी के सभी नेताओं के प्रति, हाईकमान के प्रति बहुत धन्यवाद और आभार, और अपने सीतापुर की जनता के प्रति भी विशेष धन्यवाद और आभार कि लगातार मुझे सेवा करने के लिए अवसर दे रहे हैं। चार बार अवसर दे चुके हैं, पांचवी बार लोग देंगे। इसके लिए मैं जनता से अपील, प्रार्थना, निवेदन कि अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर पुनः सेवा करने का अवसर दें। खूब काम किया हूँ, बहुत सारा काम बच गया है, उसको भी प्राथमिकता से द्रुत गति से पूरा करूँगा। कितनी चुनौतीपूर्ण रहेगी इसके चुनाव में? चुनाव में चुनौती तो हमेशा रहता है, उस बात से इनकार नहीं है। उसमें तो सिंबल लड़ती है, उसमें कोई व्यक्ति नहीं, उसमें तो पंजा छाप है, फूल छाप है, और अपने अपने कैंडिडेट उतारते हैं, जिसको पसंद होता है उसको चुनते हैं। पंजा को यहाँ वाले पसंद करते हैं, लगातार चुन रहे हैं। भाजपा में भी पूर्व जो सैनिक रहे राम कुमार टोपो को इस बार मैदान पर उतारा है, उसको कैसे देखते हैं? वो अब प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग हमेशा भाजपा का फेल रहा है। एक बार जसपुर से लाए थे, वो भी फेल हो गया। इस बार लेलुंगा से लाए, कहाँ बॉर्डर में लड़ रहे थे वहाँ से छुड़ा के लाए, ये भी वैसे ही होगा। टिकट मिलने के बाद आज सीतापुर पहुँचे थे, काफ़ी उत्साह देखने को मिला समर्थकों का, विश्वास, लोगों का विश्वास कि हमारे दिक्कत में खड़ा होगा, हमारी परेशानी में खड़ा हुआ। कोविड का पीरियड था तो खड़ा हुआ, जब खाने की दिक्कत थी तब खड़ा हुआ, जब रोड में संघर्ष करने की वजह खड़ा हुआ। तो ये विश्वास एक दिन में नहीं बनता है, इसको विश्वास जीतने में समय लगता है। दुख सुख, शादी ब्याह, मरना हरना, छठी ब्याह, बर बीमारी, सब में खड़ा रहना पड़ता है, तब जाकर के बनता है। जनता को प्रणाम जी। आपने सुना किस प्रकार से मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि इस बार चुनाव में किस प्रकार से मैदानी स्तर में काम करेंगे। मैं आलमीन अहमद सीतापुर।